हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदाब एंड वेलकम टू पलाबियस किचन। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है ढाबा स्टाइल चना दाल। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक बने रहें। जिसके अज्जा कुछ यूँ है, 1/4 कप ऑयल, ज़ीरा 2 टीस्पून, लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी 1 बड़ा टुकड़ा, मेरा छोटा था इसलिए मैंने 3 ले लिए, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, टमाटर 1 बड़ा, मेरे पास पेस्ट था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट ले लिया है। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप 1 बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून या हसबे जायका, नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें चॉप 2 से 3 अदद। चने की दाल हमने यहाँ पे 1.5 कप ली थी और उसको बॉईल कर दिया। प्याज यहाँ हमने लिया है 1 बड़ा या आप 2 छोटे भी ले सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये एंड में जाएगा जब खाना आपका ऑलमोस्ट रेडी होने लगेगा। तड़के के लिए हम लेंगे कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून और 1/4 कप ऑयल। और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है जिंजर जूलियन कटे हुए और धनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल में हम डाल देंगे लौंगे, दालचीनी और ज़ीरा में डाल देंगे प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम डालेंगे टमाटर, सारे मसाले डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। अब हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे जब तक हमारा तेल ऊपर ना जाए। हमारा तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और दाल, मिक्स करें, पानी डालें, 1/2 कप पानी मैंने डाला है इसमें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें। यह हमारा दाल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने ले लिया अपना 1/4 कप ऑयल, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हमारा स्प्लैटर होने लग चुका है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद। बंद करने के बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, चना दाल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पलाबियस किचन। हमारे साथ हमेशा यूं ही बने रहें। अल्लाह हाफिज़।